फ्रेंड्स, ये देखिए आप आवाज सुन पा रहे होंगे इनकी, तो ये कितने कुरकुरा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है ब्रेड रोल्स की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगेगी जब आप देखेंगे मेरी इस वीडियो को, और बच्चे और बड़े ये सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी में मैं लास्ट में डालूंगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जो कि इसके स्वाद को और भी बेहतर बनाएगी। ये देखिए कितने क्रिस्पी हमारे ये ब्रेड रोल्स हैं, आप देख पा रहे हैं और इसकी आवाज भी सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्रिस्पी ब्रेड रोल्स कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको बताऊंगी, और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, तो गर्मा गर्म ब्रेड रोल्स हम झटपट कैसे बनाएं, उसे देखने के लिए बने रहिएगा मेरी वीडियो में, और जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बिना देरी करते हुए बनाती हूँ ब्रेड रोल्स, वो भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में। तो ब्रेड रोल्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के 7 आलूओं को ले लिया है और इन्हें बॉईल कर लिया है। जिस तरह से हम नॉर्मल बॉईल करते हैं, बिल्कुल वैसा ही बॉईल कर लिया और बिल्कुल पूरी तरह से इन्हें ठंडा कर लिया है। तो आप चाहे कटलेट्स बनाएं या ब्रेड रोल्स बनाएं, हमेशा ध्यान रहे आलू ठंडे हों, तभी वो अच्छी बाइंडिंग लेंगे, नहीं तो इनमें मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर से हमारे जो इसका मसाला बनाएंगे वो गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को अच्छे से ठंडा कर लिया है और अब मैं इसे मैश कर लेती हूँ। तो अगर आपके पास में मैशर हो तो आप मैशर से मैश कर लें, मैं इन्हें हाथ से मैश कर रही हूँ। तो अपने इन आलूओं को मैंने हाथ से मैश कर लिया है। पेस्ट नहीं बनाना है कि बहुत ज़्यादा आपने मैश करके एकदम पेस्ट बना लिया, ऐसा नहीं करना है। बस इन्हें इस तरह से जैसे मैंने जितना मैश किया है बस ऐसा ही मैश करें। बस जो इसमें बड़ी बड़ी गांठें होती हैं उन्हें फोड़ लीजिएगा, अच्छे से ब्रेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए सारे आलू अच्छे से मैश कर लिए हैं। तो ये सारे आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं और अब मैं इसमें और भी मसालों को और भी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करूंगी, और लास्ट में ऐड करूंगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो आपको बहुत पसंद आएगा अगर आप उस तरीके से बना के खाएंगे ब्रेड रोल्स। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरी वीडियो में। तो चलिए अब मैं ऐड करती हूँ इसमें इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 बारीक कटा प्याज, इसमें डाल देती हूँ, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर ये ग्रेट की हुई अदरक ली है, जिसे मैं केवल आधा इंच के बराबर जो ग्रेट किया हुआ अदरक है उसे डाल दूंगी। तो मैंने आधा इंच ग्रेट की हुई अदरक को डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं बारीक कटी हुई, इससे थोड़ा सा चटपटा लगेगा। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जब मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं तो मैं रेड चिली पाउडर जो है केवल 1/4 ही डालूंगी, 1/4 टेबल स्पून। आप चाहें तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ पर मैं 1/2 टेबल स्पून डालूंगी गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, ये मैंने कुछ कैश्यू को छोटे पीसेस में कट कर लिया है तो इसे भी मैं ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो मूंगफली के दाने होते हैं ना, उन्हें भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने काजू डाल दिए इसमें, और अब मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स बारीक कटी हुई, स्वाद अनुसार नमक, और जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मैं आपसे बोल रही हूँ वो है ये वेजिटेरियन मेयोनीज। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच वेजिटेरियन मेयोनीज डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहां पर मैंने इसे डाल दिया है, और अब ये सारी चीजें मैं मिक्स कर लूंगी।
इस तरीके का बना हुआ जो ब्रेड रोल्स है वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मसाले हमने यहाँ पर नहीं डाले और ब्रेड रोल्स में बहुत ज़्यादा मसाले अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। तो देखिए, ब्रेड रोल्स बनाने के लिए मैंने उसकी जो फिलिंग है उसको रेडी कर लिया है और अब मैं जितनी फिलिंग हमें ब्रेड के अंदर भरनी है उतने छोटे छोटे पीसेस हाथ में लेके उन्हें अलग से रेडी करके रख लूंगी। तो इस तरह से मैं जो फिलिंग मुझे भरनी है उसको मैं इसलिए पहले से बना रही हूँ, उसका कारण ये है कि फिलिंग अगर आप उस समय बनाएंगे जब आप ब्रेड में फिल करेंगे तो आपको पता ही है कि हम ब्रेड को जब फिल करते हैं तो उसे हम पानी में हाथ डालते हैं, तो बार बार पानी हाथ में लगेगा, फिलिंग गीली हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, फिलिंग पहले से बना लीजिए और अगर आपसे ये फिलिंग बाइंड ना हो तो थोड़ा सा ऑयल भी हाथ में लगा लीजिएगा। तो इस तरह से इसकी शेप रेडी कर लीजिएगा, छोटी छोटी ओवल शेप जिसे आप ब्रेड के अंदर फिल करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैं और भी सारे ये जो हमारे मसाला है इसका और सारे मसालों से इसकी फिलिंग को रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड के अंदर जो मैं फिलिंग करूंगी उसे मैंने पहले से ही जितनी फिलिंग मुझे करनी है उतना ही मैंने इसे ओवल शेप में बना के रख लिया है। मैं यहाँ पर 6 ब्रेड की फिलिंग करके दिखाऊंगी, इसीलिए मैंने 6 ही फिलिंग को बना के रखा है। तो चलिए अब हम ब्रेड में फिलिंग करेंगे। तो कैसे करूँगी मैं फिलिंग उसे देखने के लिए बने रहिएगा मेरी वीडियो में। तो ब्रेड रोल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 ब्राउन ब्रेड ले ली हैं। आप चाहें तो सैंडविच ब्रेड जो होती है वाइट वाली उसे भी ले सकते हैं। तो अब मैं जो ये ब्रेड है इनके जो ये एजेस हैं इन्हें हटा लूँगी, इससे बहुत अच्छा शेप भी आएगा और अच्छे से फिलिंग भी हो जाती है। तो ये एजेस को मैं इस तरह से कट कर लूँगी। ये देखिए, तो हमें सारी एजेस को अलग कर देना है ब्रेड्स की और केवल जो बीच का हिस्सा है उसे ही रखना है। तो मैं अपनी सारी ब्रेड्स की एजेस को हटा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सारी ब्रेड की जो एजेस हैं उन्हें कट करके रख लिया है और अब हमें यहाँ पर ज़रूरत है पानी की। तो मैंने यहाँ पर एक बोल में पानी को ले लिया है और अब मैं क्या करूँगी, ये जो ब्रेड की स्लाइस है इसे मैं पूरा डिप नहीं करूँगी, क्योंकि क्या करते हैं बहुत से लोग, पूरा डिप कर देते हैं, ब्रेड पूरी भीग जाती है और उसके बाद बाइंडिंग प्रॉब्लम। तो क्या करना है आपको, बिल्कुल हल्का सा ऐसे छूइए और फिर इधर से भी हल्का सा इस तरह से। अब क्या करना है, जो पानी है उसे स्क्वीज कर दीजिए, पूरे पानी को हल्के हाथों से, जिससे कि आपकी जो ब्रेड है वो ब्रेक ना हो, ध्यान दें। तो आपको इस तरह से स्क्वीज करना है कि जो हमारी ब्रेड है उसका रोल भी अच्छे से हो जाए और वो टूटे भी ना। देखिए, तो मैंने ब्रेड को इस तरह से पकड़ा और ऐसे प्रेस करते हुए स्क्वीज कर दिया, सारा पानी इसका निकाल दिया। अब क्या करना है, ये जो हमने इसका फिलिंग रेडी किया था बस ले लीजिए उसको इसके अंदर इस तरह से और फिर आप इसको इस तरह से पकड़ के बिल्कुल अच्छे से मिला लीजिए और फिलिंग को इसके अंदर भर के इस तरह से बाइंड करिए। ये बनाना बहुत आसान है, बस आपको सही तरीका अगर पता हो तो आप सारी ब्रेड को अच्छे से बाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी जो ये ब्रेड है इसमें हमने इसको रोल कर लिया इस तरह से। आप हाथ से ऐसे ऐसे कर लीजिए, रोल कर लीजिए पूरा बढ़िया से, देख पा रहे होंगे। तो हमारी ब्रेड अच्छे से रोल हो गई है और अब मैं बाकी सारी स्लाइसेस को भी इसी तरह से पानी में डिप करूंगी, हल्का सा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं भिगाना है, बिल्कुल टच कीजिए, फिर
ऐसे प्रेस कर लीजिए। क्योंकि जब आप हल्का सा टच करते हैं तो जो पानी होता है वो दोनों साइड से आप हल्का टच कर रहे हैं, तो वो ब्रेड में जब आप ऐसे प्रेस करते हैं ना तो चारों तरफ फैलता है, तो हमें पूरी ब्रेड को भिगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और मैंने आपसे पहले ही बोला था कि फिलिंग को मैंने पहले से शेप दे दिया, क्यों? क्योंकि पानी में जब बार बार हाथ जाएगा तो जो हमारी फिलिंग है वो भी गीली होती है, इसीलिए आप पहले से ही इसको इस तरह से शेप दे देंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस अब हमें क्या करना है, फटाफट से ये सारी फिलिंग को अपने ब्रेड में रोल कर लेना है। तो जितना आपको फिलिंग भरना है अपनी चॉइस के अनुसार उसी हिसाब से आप फिलिंग कीजिएगा और अपने ब्रेड को रोल कर लीजिएगा। ये देखिए, और हाथ से फिर इसे इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए, जिससे क्या होगा, फिलिंग भी अच्छे से भर जाएगी और जो हमारी ब्रेड है ऊपर से जो हम रोल कर रहे हैं उसका शेप जो है वो अच्छे से आ जाएगा। तो बस मैंने इसे हल्का सा इस तरह से कर लिया है जिससे कि हमारी जो ब्रेड है उसमें फिलिंग भी अच्छे से आ गई है और हमारी जो ब्रेड है ये देखिए रोल्स भी अच्छे से बन गए हैं। तो इसी तरह से मैं बाकी सारे भी रोल्स फटाफट से बना लेती हूँ, फिर आगे की प्रोसेस करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे जो ब्रेड रोल्स बनाने के लिए फिलिंग थी उसको अच्छे से ब्रेड में रोल कर लिया है और इसे मैं लगभग 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी, जिससे ये बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे और हमारे जो ब्रेड रोल फ्राई होंगे वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इसीलिए 10 मिनट मैं इसे छोड़ देती हूँ रेफ्रिजरेटर में। तो फ्रेंड्स, ब्रेड के ये रोल्स जो है मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं, 10 मिनट इन्हें मैंने रेफ्रिजरेटर में रख दिया था, उससे ये अच्छे से सेटल हो गए हैं और अब मैं इन्हें करूंगी फ्राई, जिसके लिए मैंने पैन में ऑयल को ले लिया है और मैं इसे गर्म कर चुकी हूँ। एक बार चेक कर लेती हूँ एक ब्रेड की छोटे से टुकड़े को डाल के। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये अच्छे से फ्राई होने लग गया है। तो हमारा ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब जो है मैं अपनी जो ये ब्रेड रोल्स हैं उन्हें फ्राई करूंगी। तो अब मैं अपने इन ब्रेड रोल्स को एक एक करके डाल दूंगी और इन्हें होने दूंगी फ्राई। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम ली हुई है। तो अभी मैं पहले तीन रोल्स को, ये जो ब्रेड के रोल्स हैं उनको फ्राई कर देती हूँ, बाकी के तीन रोल्स को मैं इसके बाद फ्राई कर लूंगी। तो अब मैं अपने इन ब्रेड रोल्स को पलट लेती हूँ, इसकी निचली सतह सिकने लगी है अच्छे से, तो दूसरी साइड को भी मैं सेक लेती हूँ। तो जब ये इनका कलर बहुत अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन हो जाएगा तो समझ लीजिए हमारे जो ये ब्रेड रोल्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें फ्राई होने देती हूँ। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आप कि इनका कलर कितने अच्छे से गोल्डन हो चुका है, हमारे ये ब्रेड रोल्स अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो बस 30 सेकंड के लिए मैं गैस की फ्लेम को करूंगी मीडियम और हाई के बीच में और इन्हें 30 सेकंड और अच्छे से फ्राई कर लूंगी, जिससे कि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे। तो हमारे जो ये ब्रेड रोल्स हैं इन्हें मैंने 30 सेकंड अच्छे से फ्राई कर लिया है, कलर भी इनका बहुत बढ़िया गोल्डन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब मैं गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और अपने इन ब्रेड रोल्स को छान के रख लूंगी। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से इनका कलर चेंज हो गया है। तो बस अब मैं सारे ब्रेड रोल्स को इस तरह से छान लेती हूँ। और इन्हें रख लेती हूँ प्लेट में। तो ये मैंने अपने ब्रेड रोल्स को छान लिया है और अब बाकी के जो बचे हुए ब्रेड रोल्स हैं उन्हें भी मैं फटाफट से फ्राई कर लेती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड रोल्स का कलर भी कितने अच्छे से गोल्डन हो चुका है। तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और अपने जो ये ब्रेड रोल्स हैं इन्हें छान के अलग कर लूंगी। तो बस अपने सारे ब्रेड रोल्स मैंने छान लिए हैं और अब मैं इन्हें ले लूंगी सर्विंग प्लेट में। फ्रेंड्स, ये देखिए, आप आवाज सुन पा रहे होंगे इनकी, तो ये कितने कुरकुरारे हैं। तो ये बन के रेडी हो गए हैं मेरे ब्रेड रोल्स, जो कि खाने में बहुत ही क्रिस्पी है, क्रंची है और साथ ही साथ बहुत ही लाजवाब हैं। तो आपको ब्रेड रोल्स बनाना हो जाएगा बहुत आसान जब आप देखेंगे मेरी इस रेसिपी को। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ब्रेड रोल्स की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।